वैसे हमारे देश में घरों में बिजली आने का रिकॉर्ड कुछ ही सालों पहले सुधरना शुरू हुआ था, वरना कई बड़े राज्यों में दिन में कई कई घंटे बिजली गुल होना आम बात हुआ करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो 10 अक्टूबर तक कोयले की कमी से देश के 16 बिजली बनाने वाले प्लांट यानी पावर प्लांट बंद हो गए हैं और कई के पास कोयले का रिजर्व 1 से 4 दिन का ही बचा है। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि हमारे आपके घर की बत्ती गुल कब होगी और कोयले के अलावा बिजली बनाने के जो विकल्प हैं उनमें देश की हालत कैसी है। दुनिया में 16 मिलियन टन कोयला उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 65% बिजली बनाने में खर्च हो रहा है। बात देश की करें तो 760 मिलियन टन कोयले उत्पादन में से 75% बिजली बनाने का काम हो रहा है। भारत कोयला उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। दूसरा सवाल ये कि दुनिया में और भारत में कुल कितने साल का कोयला बचा हुआ है। तो आखिरी बार दुनिया भर के कोयले को 2016 में नापा गया था, तब दुनिया भर के कोयला खदानों में कुल 1144 अरब टन कोयला बचा हुआ था। टेक्निकल भाषा में इसे कोयला रिजर्व कहते हैं। तो इस हिसाब से दुनिया भर के पास 134 साल के लिए कोयला बचा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा कोयला अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास है। इस हिसाब से भारत में 107 साल का कोयला बचा हुआ है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल हमारे पास 319 अरब टन कोयला बचा हुआ है। कोयले की सबसे ज्यादा खपत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। अब आखिरी सवाल ये कि कोयला खत्म हो गया तो क्या बिजली बनाने के दूसरे विकल्पों पर काम हो रहा है? तो देखिए, दुनिया में कुल 37% बिजली कोयले से बनती है, बाकी 67% दूसरे तरीकों से। अमेरिका में तो 73% बिजली रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा और सौर ऊर्जा से बनती है, इसलिए अमेरिका जैसे देशों को दिक्कत नहीं है। यहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन हर साल घट रहा है। लेकिन भारत में तस्वीर अलग है। हमारे यहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से केवल 25% बिजली ही बनती है। 2022 तक के लिए हमने टारगेट रखा था कि कुल 1,75,000 मेगावाट बिजली पानी, हवा और सौर ऊर्जा से बनानी है, लेकिन हम इससे अभी काफी दूर हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 के पश्चिम बंगाल में रानीगंज के इलाके में कोयला खनन किया था। इससे पहले हमारी जिंदगी बिना कोयले के चल रही थी। तो अगर कोयला खत्म हो जाता है और हम विकल्पों पर काम नहीं कर पाते हैं तो हम 18वीं सदी में वापस चले जाएंगे। वैसे उपाय एक और है, आप चाहें तो हैप्पीडेंट की विज्ञापनों से प्रेरणा ले सकते हैं, बिजली बनाने का नया तरीका सीखें। आज जानना जरूरी है मैं इतना ही। अगर आप अपने मन के किसी सब्जेक्ट पर ये शो देखना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए, मेल आईडी आपके स्क्रीन पर है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।